चारसदा में पुलिस स्टेशन उमरजई की हदूद में पुलिस वैन के करीब खुदकुश धमाका। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस वैन गुजरने के बाद खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके से अहलकार और पुलिस वैन महफूज रहे। चारसदा में पुलिस स्टेशन उमरजई की हदूद में पुलिस वैन के करीब खुदकुश धमाका हुआ है। पुलिस वैन गुजरने के बाद खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से अहलकार और पुलिस वैन महफूज रहे। इलाके में पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन उमरजई की हदूद में ये वाकया पेश आया। पुलिस वैन के करीब खुदकुश धमाका हुआ। ऐनी शाहिदीन का बताना है कि पुलिस वैन गुजरने के बाद खुदकुश बमबार की जानिब से खुद को धमाके से उड़ाया गया। धमाके से अहलकार और पुलिस वैन महफूज रहे। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई और धमाके में खुदकुश हमलावर हलाक हो गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। शवाहिद इकट्ठे किए गए जबकि पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन का भी आगाज़ कर दिया गया है। चारसदा में ये वाकया पेश आया। पुलिस स्टेशन उमरजई की हदूद में पुलिस वैन के करीब खुदकुश धमाका हुआ है। ऐनी शाहिदीन का बताना है कि पुलिस वैन गुजरने के बाद खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ाया। तफसीलात मलिक रहमान से जानते हैं। जी रहमान। जी बिल्कुल, ऐनी शाहिदीन और पुलिस राय के मुताबिक जिला चारसदा के पुलिस स्टेशन उमरजई के हदूद में वाकई अखून दरे के करीब मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने पुलिस वैन के करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया है। खुदकश धमाके से पुलिस मोबाइल में सवार तमाम पुलिस एहलकार खुशकिस्मती से महफूज रहे, जबकि खुदकश बमबार हलाक हो गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस वैन गुजरने के साथ ही मोटरसाइकिल सवार खुदकश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। जराये के मुताबिक सुबह सवेरे रश ना होने और बर्वास खुदकश जैकेट ना पहनने से जानी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी जानी पुलिस की बारी नफरी मौके पर पहुंच कर शवाहिद इकट्ठे करने और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया रहमान आपका।